आज के टाइम पर हमें ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन के बारे में आए दिन सुनने को मिलता रहता है। डेवलपिंग नेशन में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलप्ड नेशन का बढ़ता CO2 एमिशन के कारण अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण क्लाइमेट पैटर्न्स में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मैं हूं सुजल पांडे, आप देख रहे हैं ज्ञान ज़रूरी है। चलिए जानते हैं कि किस तरह रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि रीन्यूएबल एनर्जी और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है। रीन्यूएबल एनर्जी हमें उन सोर्सेज से मिलती है जो कि अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट रहती है हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे कि सनलाइट हो गया, विंड हो गया। रीन्यूएबल रिसोर्सेज से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना और रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करने से पॉल्यूशन नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ नॉन रीन्यूएबल एनर्जी हमें उन रिसोर्सेज से मिलती है जिनकी लिमिटेड क्वांटिटी हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, जैसे कि कोल, क्रूड ऑयल और जितने भी फॉसिल्स हैं हमारे। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने और उनको यूज़ करने में पॉल्यूशन होता है। चलिए अब बात करते हैं कि इंडिया कैसे क्लाइमेट चेंज को हैंडल करने के लिए रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर रहा है। इंडिया की करंट पोजीशन और ऑल ओवर वर्ल्ड में भारत की रैंकिंग से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में कितने बड़े पैमाने पे रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर फोकस किया जा रहा है और उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। भारत सरकार के डेटा के अकॉर्डिंग आज के टाइम पर भारत टोटल एनर्जी नीड में से 59.7% फॉसिल फ्यूल से जनरेट करता है और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के थ्रू 40.3% एनर्जी जनरेट करता है। अब अगर बात करें भारत की रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ के बारे में, तो बीते 7 से 8 सालों में काफ़ी इम्प्रूव हुई है। करंटली भारत की जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की मार्केट है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में 4th नंबर पर आती है। 4th नंबर पर विंड पावर प्रोडक्शन और 5th नंबर पर सोलर एनर्जी प्रोडक्शन। IBEF की रिपोर्ट की माने तो भारत सरकार ने 2022 के एंड तक 227 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन का टारगेट रखा है, जिसमें से सितंबर 2021 में ही इंडिया ने 101 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कर चुका है। और भारत सरकार द्वारा ये टारगेट रखा गया है कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 523 गीगावाट तक की कैपेसिटी तक इंक्रीज करना है। ये कहना गलत नहीं होगा, जब से सेंटर में BJP की गवर्नमेंट आई है तब से क्लीन और ग्रीन एनर्जी पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है। आज के टाइम पर हमारे देश में कई बड़े बड़े सोलर पार्क्स हैं और राजस्थान का बादला सोलर पार्क तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क है, जिसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी 2245 मेगावाट की है। इन्वेस्ट इंडिया की रिपोर्ट की माने तो 31 दिसंबर 2021 तक इंडिया में विंड पावर से 40.08 गीगावाट, सोलर पावर से 49.34 गीगावाट, बायो पावर से 10.61 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो पावर से 4.83 गीगावाट और लार्ज हाइड्रो पावर से 46.51 गीगावाट तक की एनर्जी प्रोड्यूस की गई है। आज हमारे देश की सरकार ने अपना जो फोकस है वो क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ करा है, जिसके कारण उन्होंने टारगेट सेट किया है कि इंडिया का जो टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है उसे 1 बिलियन टन तक रिड्यूस करना है 2030 तक और 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन को अचीव करना है। अपने इस गोल को अचीव करने के लिए भारत सरकार द्वारा काफ़ी कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के चलते हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग को PLI स्कीम के अंडर ले आए हैं, जिसकी वजह से इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट की जो कैपेबिलिटी है वो भी एनहेंस होगी। चलिए अब जानते हैं ISA के बारे में। हम में से कई लोग आए दिन UN, OIC, NATO इन सभी अलग अलग टाइप के जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में सुनते रहते हैं, पर हम में से बहुत ही कम लोगों को ISA के बारे में पता होता है। ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA एक एक्शन ओरिएंटेड कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है। इसके फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोलर अलायंस से ही आपको समझ में आ रहा है कि एक अलायंस है जिसमें कई कंट्रीज आपस में मिलकर जो सोलर एनर्जी की टेक्नोलॉजी है उस पर काम करती हैं और आगे चलकर ये लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे अपनी जो निर्भरता है वो फॉसिल फ्यूल्स पर कम करनी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस में
103 मेंबर कंट्रीज हैं। भारत के सुपरविजन के अंडर आज बाकी देश भी रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर देना शुरू कर रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के चलते भारत फिर से एक बार वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। पर पॉल्यूशन से अगर लड़ना है और क्लाइमेट चेंज को अगर रोकना है तो हमें साथ आना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर ये बदलाव होगा। तो ये था वीडियो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में और इंडिया में किस तरीके से इस सेक्टर पर काम हो रहा है और इंडिया इस सेक्टर को किस तरह लीड कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर आपको इससे कोई नई जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमें कमेंट कर अपनी राय बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।